लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पत्नी के साथ स्कॉलर होम स्कूल विपुल खंड गोमती नगर मतदान स्थल पर किया मतदान और कहा कि इस बार बीजेपी को 2017 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी लखनऊ के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। मायावती ने मतदाताओं से अपील करते हुए लोगों से वोट डालने की अपील की। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने उन्नाव के एक मतदान केंद्र में पहुंचकर डाला वोट। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा उन्नाव में 6 की 6 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और लोगों से वोट डालने की अपील भी की। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ऐशबाग के रस्तोगी इंटर कॉलेज बूथ पर किया मतदान। कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है उसकी गति हर बार बढ़ जाती है। सपा बसपा कांग्रेस और AIMIM 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगी। फतेहपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच चौथे चरण का मतदान जारी। इस बीच DM और SP फतेहपुर ने टेंडर हार्ट स्कूल मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। फतेहपुर में जहानाबाद विधानसभा के सराय धर्मपुर पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाराबंकी में होने वाली जनसभा को लेकर कसा तंज और कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ झूठ बोलने आते हैं। फतेहपुर में शहर के एक मतदान केंद्र में टेंडर हार्ट स्कूल में मतदान करने पहुंचे दिव्यांग को देखकर DM अपूर्वा दुबे खुद को रोक नहीं पाई और खुद दिव्यांग की ट्राईसाइकिल को लेकर बूथ के अंदर पहुंची, मतदान को लेकर ली जानकारी। उन्नाव में पूर्व सांसद सपा नेत्री अनु टंडन ने मतदान केंद्र पहुंचकर किया वोट। इसी के साथ ही अनु टंडन ने लोगों से भी वोट डालने की अपील की। उन्नाव में सदर से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी पंकज गुप्ता मतदान स्थल पर मतदान करने पहुंचे, जहां पर EVM में खराबी के चलते उन्हें 1.5 घंटे तक वोट डालने के लिए इंतजार करना पड़ा। 1.5 घंटे के बाद पंकज गुप्ता ने डाला वोट।